आज हम लोग ट्रेन चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, कोई ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, ये पूछा गया है। तो एक चीज याद रखना है, जब दो को चीज को क्रॉस करें तो क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व इसी ट्रिक से करेंगे जो हम बताने वाले हैं अभी। तो देखिए इसमें दो को चीज को पार कर रहा है, क्या पार कर रहा है, तो एक खंभे को पार कर रहा है और एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, ठीक है। तो दो चीज है, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 12 सेकंड में क्या कर रहा है, एक खंभे को पार कर रहा है। कोई ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करता है, तो देखिए 12 सेकंड में एक बिजली का खंभा को पार कर रहा है, और ये खंभा का लंबाई हम लोग को, मतलब खंभा जो है उसका हम लोग को कुछ दिया नहीं गया है, ठीक है, क्योंकि खंभा कोई डायमेंशन नहीं होता है, कितना मीटर मोटा होता है, नेग्लिजिबल होता है वो, ठीक है। तो इतना लिखना है, 12 सेकंड में एक खंभा को पार कर रहा है और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे 18 सेकंड में क्या कर रहा है, 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, यही दिया गया हम लोग को। तो अब देखेंगे क्या करना है, इसे इसको डिफरेंस कर लेंगे। डिफरेंस करने का मतलब है बड़ा से छोटा को घटाएंगे, तो 18 से 12 को घटाएंगे तो हो जाएगा 6, और ये सेकंड है तो सेकंड लिख देना है, मतलब 6 सेकंड में, और इधर डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस करने के लिए यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब जीरो मानिए इसको। तो 150 से अगर जीरो को घटाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब जीरो मान लीजिए, तो 150 से अगर जीरो को घटाएंगे तो क्या होगा, 150 ही हो जाएगा हम लोगों का, और ये मीटर में है तो मीटर लिखना है, और इधर सेकंड में था इसलिए सेकंड लिखे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है 6 सेकंड में हम लोग का 150 मीटर जा रहा है, 6 सेकंड में ट्रेन कितना कर रहा है, 150 मीटर कवर कर रहा है डिस्टेंस। तो वही पूछा गया है कि ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, उसका लंबाई पूछा गया है, तो आप ही लोग बताइए ट्रेन का लंबाई क्या होगा। देखिए यहाँ पे बिजली के खंभे को पार कर रहा था, तो इसका पार्ट वन में मैंने बताया था अच्छे से कि किसी भी खंभे को अगर कोई भी ट्रेन पार कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपना खुद का डिस्टेंस पार कर रहा है, मतलब खंभे को पार करने के लिए उसको जितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है वो डिस्टेंस क्या होगा, वही ट्रेन की लंबाई होगा, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा, खंभे को पार करने में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो खंभे को पार करने में देखिए कितना लग रहा है, 12 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 12 सेकंड में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है वही डिस्टेंस हो जाएगा ट्रेन की लंबाई। क्यों हो जाएगा, तो 12 सेकंड में उसने खंभा पार किया है, तो खंभा को पार किया इसका मतलब कि अपनी लंबाई को पार किया है, ठीक है। तो यही निकाल लेंगे हम लोग, 6 सेकंड में 150 मीटर है तो 12 सेकंड में हम लोग का क्या हो जाएगा, 150, और ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में। अब 6 का टेबल में ये 2 बार में, अब 15 2 जा हो जाएगा 30 और 10, मतलब 300 मीटर जो आया हम लोगों का, ये क्या आया, 12 सेकंड में इतना डिस्टेंस ये कवर किया, ये आया हम लोगों का। तो 12 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया, और यहाँ पे लिखा हुआ है 12 सेकंड में एक खंभा पार किया, तो 12 सेकंड में एक खंभा पार किया इसका मतलब क्या है, अपनी लंबाई को पार किया, मतलब ट्रेन की लंबाई भी कितना हो जाएगा, 300 मीटर, ये क्या होगा, ट्रेन की लंबाई हो जाएगा, और वही पूछा गया है क्वेश्चन में। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ट्रेन की लंबाई ना देके, लंबाई ना पूछ के, अगर ट्रेन का स्पीड पूछ लिया होता है कि ट्रेन का स्पीड बताइए, तो हम लोग अब स्पीड भी निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग को डिस्टेंस पता है इतना मीटर, ठीक है, इतना मीटर क्या है, ट्रेन का लंबाई मतलब क्या, डिस्टेंस हो गया ये, दूरी हो गया ये, एक एक चीज़ हम लिख के समझा रहे हैं, समझिए अच्छे से। तो इतना मीटर ये कवर किया इसका मतलब क्या, इतना मीटर दूरी हो जाएगा, और इसको पार करने के लिए कितना टाइम लगा, 12 सेकंड लगा, ठीक है, 12 सेकंड में एक खंभा पार कर रहा है, मतलब 12 सेकंड में इतना पार किया, तो टाइम कितना लगा, मतलब समय कितना लगा, तो समय लगा 12 सेकंड। तो हम लोग को क्या निकालना है, चाल निकालना है, ट्रेन का स्पीड, ठीक है, चाल निकालना है, चाल मतलब ही स्पीड होता है, तो चाल बराबर हो जाता है दूरी बटा समय, तो दूरी कितना हो जाएगा, 300, और ये मीटर में है, और समय क्या है, 12 सेकंड, तो 12 सेकंड ये है। तो चाल हमेशा इसमें ट्रेन का चैप्टर में जब चाल पूछा जाएगा तो हमेशा किलोमीटर पर आवर में ही पूछता है, ठीक है, जनरली पूछता है उसी में। तो देखिए मीटर पर सेकंड में है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम बताए थे क्या, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 18/5 से इसको गुना कर देंगे, तो देखिए 5 का टेबल में 6 बार में 30, 10, फिर 12 का टेबल में कट जाएगा ये, 6 का टेबल में 2 बार में, 6 का टेबल में ये 10 बार में, 2 का टेबल में ये 9 बार में, तो 9 × 10 = 90, ठीक है। तो 90 क्या आया, किलोमीटर पर आवर, तो इसका स्पीड भी पूछ सकता है, इसीलिए हम स्पीड निकालना भी बता दिए। वैसे आप लोगों का आंसर 300 मीटर यहीं पे आ गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं।
इसमें देखिए दिया गया है, एक ट्रेन 100 मीटर लंबे एक पुल को 15 सेकंड में पार करता है तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करता है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे ही है। इसमें भी देखिए दो को चीज़ को पार कर रहा है, क्या पार कर रहा है, तो एक पुल को पार कर रहा है और एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो वैसे ही हम लोग बनाएंगे सेम टू सेम। तो देखिए 15 सेकंड में क्या कर रहा है, यहाँ पे दिया गया 100 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार कर रहा है, 15 सेकंड में पुल को पार कर रहा है मतलब 15 सेकंड में 100 मीटर डिस्टेंस ये कवर कर रहा है दिया गया है, तथा बोल रहा है तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर रहा है, तो 18 सेकंड में क्या कर रहा है, 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। ये क्या पार किया था, ये तो पुल पार किया था, और ये क्या है, प्लेटफॉर्म है, एक पुल को क्रॉस कर रहा है और एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसका डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस मतलब बड़ा से छोटा को घटा देना है, तो 18 से 15 को घटाएंगे तो 3 सेकंड आएगा, उसी तरीके से इससे इसको घटाएंगे तो आएगा 50, और मीटर है तो मीटर हो जाएगा, ठीक है, इधर सेकंड है तो सेकंड, मीटर है तो मीटर। इसका मतलब ये है 3 सेकंड में 50 मीटर गया, 3 सेकंड में 50 मीटर ये जा रहा है। तो हम लोग को पूछा गया ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा, 15 सेकंड में हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो 15 सेकंड में हम लोग निकाल लेंगे, 3 सेकंड में अगर 50 मीटर जा रहा है तो 15 सेकंड में कितना जाएगा, निकाल लेंगे तो 50 और ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में, तो 3 का टेबल में 5 बार में, तो इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 मीटर आएगा। और ये क्या कर रहा था, 15 सेकंड में हम निकाले जो, ये क्या निकला, 15 सेकंड में ये पुल को क्रॉस कर रहा था, तो ये हम लोग का आंसर नहीं हो जाएगा अभी ट्रेन का लंबाई। इससे पिछला जो क्वेश्चन था मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे खंभे को पार कर रहा था, तो जब ट्रेन खंभे को पार करता है तो अपने ही लंबाई को पार करता है, तो इसलिए वहाँ तक आंसर हम लोग का निकल गया था डायरेक्ट। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, पुल को पार कर रहा है, तो ये भी कॉन्सेप्ट मैंने पार्ट वन का वीडियो में बताया था कि जब भी कोई पुल को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, ठीक है, तो या फिर किसी गुफा को पार करे, तो कि क्या होता है, अपना लंबाई को भी पार करता है। इसका मतलब समझिए, ये पुल को जो पार कर रहा है, तो पुल को पार करने के लिए इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, कितना दूरी तय करना पड़ेगा, ठीक है, कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो पुल को पार करने के लिए ट्रेन को अपना लंबाई भी पार करना पड़ेगा प्लस पुल का लंबाई पार करना पड़ेगा। तो ये जो हम 15 सेकंड में निकाले, पुल को पार कर रहा है, 100 मीटर लंबा पुल को पार करने में 15 सेकंड लग रहा है, ठीक है, तो 15 सेकंड में ये 250 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 250 मीटर क्या है, ट्रेन प्लस पुल दोनों का लंबाई है, क्योंकि पुल को पार करने के लिए ट्रेन को अपना लंबाई भी पार करना पड़ेगा, ठीक है, तो ट्रेन प्लस पुल मिला के 250 मीटर है, ट्रेन प्लस पुल मिला के कितना है, 250 मीटर डिस्टेंस है, और पुल का अकेले देखिए 100 मीटर है, तो 250 मीटर ये क्या है, ये ट्रेन है प्लस ट्रेन का डिस्टेंस मतलब ट्रेन का लंबाई प्लस पुल का लंबाई, ठीक है, दोनों का मिला के इतना निकला। और यहाँ पे दिया गया क्या है, 100 मीटर जो है ये पुल का लंबाई है, तो पुल का लंबाई को अगर माइनस कर देंगे इसमें, पुल का लंबाई दोनों का मिला के इतना है, तो दोनों का मिला के इतना है, तो पुल का लंबाई हम लोग को पता है 100 है, तो 100 इसको माइनस अगर कर देंगे तो हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, तो देखिए 150 निकल के आ जाएगा, 150 मीटर, तो ये जो निकल के आया हम लोग का, इसे इसको घटाएं तो पुल का लंबाई इसमें घटा दिए, तो हम लोग का निकलेगा क्या, ट्रेन का लंबाई, क्योंकि दोनों का मिला के इतना दिया गया है। देखिए अच्छे से समझ लीजिए, इसको माइनस ही क्यों करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग में हम बता देते हैं ताकि समझ में आप लोग आएगा, ट्रेन प्लस पुल दोनों का मिला के कितना है, 250 मीटर है, और पुल का लंबाई हम लोग को पूछा नहीं गया है, ठीक है, हमको ट्रेन का लंबाई निकालना है, तो ट्रेन रहने देते हैं, प्लस पुल का लंबाई यहाँ पे दिया गया है, देखिए 15 सेकंड में 100 मीटर लंबा पुल है ये, तो 100 मीटर यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 250 मीटर है, तो ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा, 250 मीटर, और ये इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 150 मीटर होगा। तो क्या इतना लिखेंगे हम लोग एग्जाम में, ये सिर्फ हम समझाने के लिए किए, देखिए दोनों का मिला के है तो एक का हमको पता है 100 मीटर, तो 100 इसमें से माइनस कर देंगे तो ट्रेन का ही ना निकलेगा, तो डायरेक्ट हम लोग करेंगे ऐसे, तो 150 मीटर आंसर हो जाएगा। अब इसमें अगर स्पीड भी पूछता तो हम लोग निकाल सकते थे, स्पीड कैसे निकालते, देखिए यहाँ पे ट्रेन का निकल गया लंबाई, ठीक है, और ट्रेन का लंबाई हम लोग को इतना निकल गया, या किसी भी डिस्टेंस से हम लोग लेके निकाल सकते थे, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, मतलब 3 सेकंड में इतना जा रहा है, तो स्पीड बराबर क्या हो जाता है, स्पीड इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस बाय टाइम ही होता है, तो डिस्टेंस कितना है हम लोग किसी भी चीज़ को लिख के बना सकते हैं, 15 सेकंड में ये कितना 250 मीटर जा रहा है इससे भी बना सकते हैं, 3 सेकंड में 50 मीटर जा रहा है इससे भी बना सकते हैं, तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डिस्टेंस है हम लोग का 50 और टाइम क्या लग रहा है 3 सेकंड, इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 से गुना, तो 5 का टेबल में 10 बार में, 3 का टेबल में 6 बार में, 6×10=60 मीटर किलोमीटर पर आवर आएगा। अगर इसको लेके हम लोग सॉल्व करते हैं तो भी इतना ही आएगा, ठीक है, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा।
तो इसका स्पीड अगर पूछता तो 60 किलोमीटर पर आवर होता। अब आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा। तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, जब दो गो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाए, ठीक है, जब दो गो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाए, मतलब ये ट्रेन इधर जा रहा है तो ये भी ट्रेन इधर अगर जा रहा है, ठीक है, दोनों ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में जाए तो स्पीड क्या होगा, माइनस होगा। स्पीड क्या होगा, माइनस होगा। स्पीड मतलब क्या, चाल। चाल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, चाल क्या होगा, माइनस हो जाएगा। दोनों का चाल कुछ भी दिया रहेगा, मान लीजिए इसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, और इसका 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब 60 से 50 को घटाएंगे तो ओवरऑल चाल हम लोग का क्या आएगा, चाल हो जाएगा 60 माइनस 50, हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समझ में आ रहा होगा, जब सेम डायरेक्शन में रहे दो गो ट्रेन, ठीक है, सेम डायरेक्शन में रहे तो स्पीड को घटाएंगे, एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। और जब अपोजिट डायरेक्शन में दो गो ट्रेन रहे, मतलब एक ट्रेन इधर जा रहा है और एक ट्रेन इधर आ रहा है, दो ट्रेन का हम स्पीड लिख लेते हैं। पहला ट्रेन का मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जा रहा है, और इधर से एक जो ट्रेन आ रहा है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आ रहा है। तो जब दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में हो, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो स्पीड को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। स्पीड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसका स्पीड मतलब क्या, चाल कितना हो जाएगा, चाल बोलिए या स्पीड बोलिए, बात एक ही है। तो चाल क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे जब ऑपोजिट डायरेक्शन में आए, ठीक है, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आए, चाल को ऐड कर देंगे, तो 60 और 50 क्या हो जाएगा, 60 प्लस 50, 110 किलोमीटर पर आवर। तो ये दो को चीज़ याद रखना है, जब सेम डायरेक्शन में रहे तब स्पीड को माइनस करना है, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में रहे तब स्पीड को प्लस करना है। और एक थोड़ा सा चीज़ याद रखना है, जब सेम डायरेक्शन में रहे या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूरी जो होगा हमेशा क्या होगा, ऐड करेंगे। मतलब दूरी जो हो जाएगा, दोनों ट्रेन का लंबाई हो जाएगा, दूरी क्या होगा, दूरी जो हो जाएगा, डिस्टेंस मतलब क्या, दूरी, ठीक है, दूरी क्या होगा, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग, ठीक है, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग, मतलब ऐड करेंगे दोनों ट्रेन की लंबाई को। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जब सेम डायरेक्शन में रहे या ऑपोजिट डायरेक्शन में रहे, तो डिस्टेंस हम लोग ऐसे निकालेंगे कि दोनों, ये ट्रेन मान लीजिए 100 मीटर का लंबाई है और ये 200 मीटर का है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 200 और 100, 300 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे जब दो को ट्रेन रहेगा, चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए चाहे सेम डायरेक्शन में जाए, दोनों ट्रेन का लंबाई को हम लोग जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे तो हम लोग का वही डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। तो इसमें दिया गया है 90 मीटर लंबी एक ट्रेन है, और ये दिया गया कितना, 90 मीटर लंबाई है। ट्रेन का लंबाई क्या है, 90 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका स्पीड दिया गया कितना, 54 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है। अब बोल रहा उसी दिशा में चल रही, ठीक है, 120 मीटर लंबी एक ट्रेन उसी दिशा में चल रही, विपरीत दिशा नहीं बोला है, विपरीत दिशा बोलता तो इधर चलता है एक ट्रेन, एक इधर जा रहा है तो एक इधर। अब बोल रहा उसी दिशा में चल रही है एक ट्रेन, मतलब एक ट्रेन इधर जा रहा है तो दूसरा ट्रेन भी क्या होगा, इधर ही जाएगा। एक ट्रेन इधर जा रहा है तो दूसरा ट्रेन भी इधर ही जाएगा, वही बोला गया। उसी दिशा में चल रही, तो उसी दिशा में चल रही है ट्रेन 120 मीटर लंबी एक ट्रेन, तो इसका लंबाई कितना दिया गया, 120 मीटर लंबी एक ट्रेन को 1 मिनट 3 सेकंड में पार करता है। तो टाइम यहाँ पे दिया गया है, समय दिया गया है, ठीक है, टाइम मतलब क्या हो गया, समय। तो समय कितना दिया गया, 1 मिनट 3 सेकंड, 1 मिनट 3 सेकंड ये हम लोग का दिया गया है। तो इसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड हो जाता है और 3 सेकंड, तो 60 सेकंड और 3 सेकंड 63 सेकंड हो जाएगा, टोटल 63 सेकंड निकला हम लोग का टाइम। तो बोल रहा है दूसरी ट्रेन की गति क्या है, तो पहला ट्रेन जो ये है इसका गति हम लोग को पता है, मतलब स्पीड पता है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरा ट्रेन का पूछा गया है गति, तो इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर, ये मान लेते हैं। अब बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए हम लोग को फॉर्मूला पता ही है, हम लोग को क्या निकालना है, दूसरे ट्रेन की गति, तो गति मतलब क्या, चाल पूछा गया है, तो चाल बराबर हम लोग को पता ही है क्या होता है, दूरी बटा समय, यही होता है। अब बस फॉर्मूला में पुट करना है, तो चाल क्या हो जाएगा, तो हम बताए थे अभी जस्ट थोड़ा देर पहले, हम बताएं कि जब सेम डायरेक्शन में दो गो ट्रेन जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिफरेंस करेंगे, स्पीड का क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस करेंगे मतलब क्या, इससे इसको घटाएंगे, तो एक स्पीड क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक एक्स है, तो 54 माइनस एक्स हो जाएगा चाल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझने में।
जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड घट जाएगा, और दूरी क्या होगा, चाहे सेम डायरेक्शन में रहे चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में रहे, दूरी क्या होगा, दोनों ट्रेन का लंबाई का योगफल। तो एक ट्रेन कितना लंबा है, 90 मीटर है, और दूसरा ट्रेन 120 मीटर है, तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का योगफल मतलब क्या, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 210 मीटर। तो दूरी हम लोग का क्या निकला, 210 मीटर निकला। अब समय दिया गया है कितना, समय देखिए यहाँ पे 63 सेकंड दिया गया है, तो 63 सेकंड यहाँ पे लिखेंगे। और ये जो दिया गया था ये क्या है, देखिए यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, तो ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्पीड ये क्या दिया गया, किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर में है, और किलोमीटर पर आवर से हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो आंसर हम लोग को निकालने क्या बोला गया था, दूसरे ट्रेन की गति, दूसरे ट्रेन की गति हम लोग क्या माने थे, एक्स किलोमीटर। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू हम लोग को निकाल देना है, वही हम लोग का आंसर होगा। तो सॉल्व करते हैं, 54 - x को रहने देते हैं, इधर 210/63 है, ये डिवाइड में है तो इस पर आएगा तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, और ये डिवाइड में चला आएगा। अब देखिए 21 का टेबल में 1 बार में एक जीरो है, ये 3 बार में कट जाएगा 21 का टेबल में। अब 3 का टेबल में ये 6 बार में, 5 का टेबल में ये 2 बार में, तो 6 × 2 = 12, इधर 12 आया और इधर कितना आया, 54 - x है, तो -x = 12, ये इधर जाएगा तो -54 होगा, तो -x = -42 हो जाएगा। इससे इसको घटाएंगे, बड़ा का साइन देंगे माइनस, अब माइनस माइनस कट जाएगा, तो हम लोग क्या होगा, x = 42 किलोमीटर पर आवर, यही हम लोग का स्पीड हो जाएगा। दूसरा ट्रेन का स्पीड क्या होगा, यही हो जाएगा। क्यों ये हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक्स ही ना माने थे, दूसरा ट्रेन का स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर माने थे, तो एक्स का वैल्यू ही इतना आया, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें दिया गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, चलती हुई 100 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में आती हुई 120 मीटर दूसरी ट्रेन को 6 सेकंड में पार करती है। तो इसमें देखिए एक ट्रेन है और विपरीत दिशा में एक ट्रेन को पार कर रहा है, विपरीत दिशा से एक ट्रेन आ रहा है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ट्रेन आ रहा है, विपरीत दिशा मतलब ही ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। तो देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई, तो इसका चाल कितना दिया गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका स्पीड दिया गया है, चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी ट्रेन, और इस ट्रेन का लंबाई कितना है, 100 मीटर लंबा है, चलती हुई ट्रेन विपरीत दिशा से आती हुई 120 मीटर दूसरी ट्रेन को, ठीक है, 120 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन, तो इस ट्रेन का लंबाई क्या है, 120 मीटर है, दूसरी ट्रेन को 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो टाइम हम लोग का क्या दिया गया है, 6 सेकंड दिया गया है, टाइम हम लोग का 6 सेकंड दिया गया है। तो दूरी, दूसरी ट्रेन की गति क्या है, तो दूसरा ट्रेन का गति हम लोग को पूछा गया, गति मतलब क्या, स्पीड पूछा गया है, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस इंटू टाइम, ये होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर ये हो जाता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होगा ना, स्पीड मतलब क्या, चाल, तो चाल बराबर हो जाता है दूरी बटा समय। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए या सेम डायरेक्शन में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे देखिए स्पीड है, तो यहाँ पे स्पीड नहीं दिया है, तो हम लोग लिख लेंगे एक्स किलोमीटर पर आवर, इसको मान लेंगे एक्स किलोमीटर पर आवर का स्पीड से ये जा रहा था। अब देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में जब जाएगा तो स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ये जस्ट अभी बताए हम, तो इसका स्पीड क्या है, 50 है और इसका स्पीड x है, तो क्या हो जाएगा, चाल हम लोग का 50 + x, ये हो जाएगा हम लोग का। और ये किलोमीटर पर घंटा में है, किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया ये चाल। अब दूरी क्या होगा, तो दूरी हम बताए थे चाहे सेम डायरेक्शन में जाए चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, दूरी जो हो जाएगा दोनों ट्रेन का लंबाई का योगफल हो जाएगा। तो दोनों ट्रेन का लंबाई क्या हो जाएगा, योगफल 120 और 100 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 220, और ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा हम लोग का, तो 220 मीटर यहाँ पे लिख देना है। बटा में समय, तो समय दिया गया देखिए 6 सेकंड, तो यहाँ पे 6 सेकंड लिख देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करेंगे तो हम लोग का एक्स का वैल्यू आएगा, और पूछा क्या गया था देखिए, तो दूसरे ट्रेन की गति, तो गति ही ना पूछा गया था, इसको हम लोग एक्स माने थे, तो एक्स का वैल्यू ही निकाल देना है, तो ये हो जाएगा 50 + x = 220/6, और ये इधर जाएगा तो 18/5 हो जाएगा। अब 6 का टेबल में 3 बार में, 5 का टेबल में काटिए, 5 × 4 = 20, फिर 2 बचेगा, फिर 5 × 4 = 20, तो 50 + x = इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आएगा 132,
एक्स इज इक्वल टू अब होगा 132 माइनस 50। अब एक्स इज इक्वल टू इस को घटाएंगे तो 2 और 13 से 5 जाएगा तो 8 5 13 होता है तो 8 हो जाएगा, मतलब 82 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड निकल के आ जाएगा, ये हम लोग का आंसर होगा। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया 300 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो ये ट्रेन है, इसका लंबाई दिया गया, मतलब 300 मीटर लंबा एक ट्रेन है और इसका गति दिया गया है 90 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड क्या है 90 किलोमीटर पर आवर है। उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक दूसरी ट्रेन को 2 मिनट में पार करता है। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है उसी दिशा में चल रही ट्रेन, तो विपरीत दिशा बोलता तो इधर चलता ट्रेन, उसी दिशा बोला गया तो इधर चल रहा है एक ट्रेन, ठीक है। एक ट्रेन को उसका स्पीड दिया गया है विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, तो इसका स्पीड क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 2 मिनट में पार करता है। तो टाइम हम लोग का क्या है 2 मिनट दिया गया है, तो इसको सेकंड में हम लोग चेंज कर लेंगे तो 2 मिनट में होता है 120 सेकंड। तो दूसरे ट्रेन की लंबाई बताइए, तो दूसरा ट्रेन का लंबाई हम लोग एक्स मीटर मान लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग वैसे ही, तो इसको फॉर्मूला लगा देना है दूरी बराबर, दूरी क्यों लगा रहे हैं क्योंकि हम लोग को डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, दूसरे ट्रेन की लंबाई चाहिए, तो लंबाई क्या होगा एक डिस्टेंस ही होगा, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुना समय। तो दूरी क्या हो जाएगा, देखिए जब दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में हो या सेम डायरेक्शन में हो तो हम लोग क्या करते हैं दूरी को ऐड करते हैं, दोनों का डिस्टेंस ऐड करते हैं, तो इसका डिस्टेंस कितना है 300 और इसका डिस्टेंस एक्स है, तो टोटल क्या हो जाएगा 300 प्लस एक्स हो जाएगा, ऐड करना पड़ेगा, चाहे सेम डायरेक्शन में रहे चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में रहे, दूरी को हम लोग ऐड करके लिखेंगे। और स्पीड क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में रहेगा तो स्पीड को हम लोग घटा के लिखते हैं, तो स्पीड देखिए यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इसे इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 30 किलोमीटर पर आवर, 90 से 60 को माइनस कर देंगे तो होगा 30 किलोमीटर पर आवर, वही यहाँ पे लिखें। अब ये जो डिस्टेंस आया है किस में आया, किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन यहाँ पे हमको लिखना किस में है, तो यहाँ पे लिखना है मीटर पर सेकंड में हम लोग, तो इसको मीटर पर सेकंड में हम लोग चेंज करेंगे, किलोमीटर पर आवर को ये 30 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग को 5/18 से गुना करना पड़ेगा, तो गुना कर दिए, फिर मल्टीप्लाई है समय, तो समय कितना दिया गया है 120 सेकंड, तो यहाँ पे 120 लिख देंगे। अब देखेंगे कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है, देखेंगे कि 6 का टेबल में ये 3 बार में, 6 का टेबल में ये 2 बार में, 10, 3 का टेबल में ये 10 बार में। अब क्या होगा 300 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = 10 और 2 × 0 मतलब 1000 हो गया। अब एक्स इज इक्वल टू 300 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 700 हम लोगों का, 1000 में से 300 माइनस हो जाएगा तो 700 होगा। तो एक्स का वैल्यू हम लोग को निकालना था, दूसरा डिस्टेंस हम लोग कितना माने थे एक्स मीटर, तो 700 क्या हो जाएगा 700 मीटर हो जाएगा आंसर हम लोगों का। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, आगे का जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।